हमें जल्दी से पानी गर्म करना है, तो चलिए हीटर को चालू कर लेते हैं। अरे बाप रे, बहुत जोर से झटका मारा, ये हीटर अच्छा नहीं है। चलो हीटर को चालू कर लेते हैं, अब इसको भी चालू कर लेते हैं और पानी को चढ़ाते हैं। देखिए हमें शॉक नहीं लग रहा है, हीटर शॉक प्रूफ है। चालू करके भी अगर कॉइल के ऊपर कुछ रखोगे तो शॉक नहीं लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस हीटर को हम लोग कैसे बनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, दी टॉय एंड टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक हीटर। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मल हीटर में यहाँ पे अगर हाथ लग जाए तो शॉक लगने का डर रहता है, उसी टाइप का यहाँ पे अगर कोई तार में हाथ लग जाए तो भी शॉक लगने का डर रहता है। तो इस अनसेफ प्रॉब्लम को देखते हुए हमने बनाएंगे एक सेफ हीटर जिसमें शॉक नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस टाइप का हीटर लेंगे और यहाँ जो कॉयल है इसको निकाल लेंगे। हीटर के अंदर जो हीटर का पत्ती रहता है, जो हीटर का कॉयल को अटका के रखता है, तो इसी टाइप का लेंगे, लेकिन इससे थोड़ा मोटा लेंगे। ये वाला पोर्शन इसको भी हम खोल लेंगे। और चाहिए इस टाइप का हीटर कॉयल जो यहाँ गर्म होने के बाद भी अगर इस पर टच करें तो शॉक नहीं लगता। हमारा जो हीटर का कॉयल है ये इस टाइप बैठेगा। तो हीटर का कॉयल का जो एंडिंग है यहाँ जो इस जगह पर आ रहा है, तो इस जगह पर मार्किंग कर लेंगे, इस जगह पर एक स्लॉट बना लेंगे। तो चलिए नापी कर लेते हैं। देखिए यहाँ से नापी कर लेंगे, यहाँ पे 20 दिख रहा है, 20 मिलीमीटर, और ये 50 मिलीमीटर का अंदर है, तो 20 से लेकर 50 मिलीमीटर तक हम काट लेंगे। तो यहाँ से धागी लगाएंगे, हम एक धागी 20 पे लगाएंगे और इधर 50 पे लगाएंगे। तो हमें जो काटना है ये वाला पोर्शन को काटना है। देखिए हमारा ये कट गया है, अब चलिए इसको बैठा के देखते हैं कैसे बैठता है। बहुत बेहतरीन बैठा है, देखिए हमें ऐसी ज़रूरत था। ये जो टीना है अभी यहीं पे उसका मुंह में काट लेंगे। देखिए इसको इस टाइप काट लिए हैं, अब हमें इसको कटिंग करके इसके साथ इस टाइप का इसको फिटिंग करना है। इसमें हमारा रेगुलेटर जो है वो इसी में लगेगा। तो इसको इस टाइप का करने के लिए एक कोने कोने थोड़ा फाड़ लेंगे। इस टीना में रेगुलेटर को बैठाने के लिए पहले मार्किंग कर लेंगे। जो रेगुलेटर का नॉब इसको इस टाइप का बैठा लिया है और चारों तरफ धागी लगा लिया है। नॉब को रख के जो धागी मारे हैं उसमें एक प्लास बना देंगे। तो ये हमारा हो गया मिडिल। तो यहाँ पे हमारा एक तो होल करना है, उसके बाद मार्किंग करेंगे। इसका जो यहाँ पर स्क्रू लगेगा, स्क्रू के लिए मार्किंग करेंगे इधर से। देखिए इस से हम मार्किंग कर लिए हैं। अब जो कटिंग किए थे इसको हम मोड़ लेंगे। देखिए इस स्टेप से मोड़ लिए हैं, ये सभी पार्ट को थोड़ा सा मोड़ लेंगे, मजबूती और बढ़ जाएगा। अब इसी में दो दो करके होल करेंगे। अब इसको अंदर डाल के हम इसको मार्किंग करेंगे। पहले इसमें मार्किंग कर लेंगे। देखिए इसी टाइप से मार्किंग हुआ है। इसको ड्रिल करने के लिए इस टाइप का ड्रिल बिट का यूज़ करना पड़ेगा, जो टाइल्स को ड्रिल करता है उस टाइप का ड्रिल बिट है ये। तो चलिए ड्रिल करते हैं। अब सारे ड्रिल हो चुका है, इसको हम थोड़ा कलर कर लेंगे और इसको भी कलर कर लेंगे। और हमारा ये जो हैंडल लगा हुआ है इसको हम खोल लेंगे तीनों को। इस तरफ ये ऐसे अटकेगा और इसका नीचे में कनेक्शन करने के लिए एक तो होल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इस टाइप का होल बनाना पड़ेगा, और उसको दूसरा चीज देके इसको ढक देंगे। तो इसको हम थोड़ा काट लेंगे। देखिए नीचे साइड में इसको काट लिए हैं। अब इस टाइप का टीना को मोड़ के इसका ढक्कन बनाते हैं। देखिए इस तरफ से बना लिया है, इधर दो होल करेंगे, इस साइड में एक करेंगे, इस साइड में दो करेंगे और इस साइड में एक करेंगे। देखिए हमारा जो ढक्कन है वो तैयार हो गया है। इस टाइप को लगा के मार्किंग करेंगे, फिर इसमें भी होल करेंगे। हमारा जो हीटर है इसमें दो हैंडल लगाएंगे। इस टाइप का हैंडल मार्केट से लाए हैं, मैं नीचे से 40 mm छोड़े हैं। देखिए इसके हैंडल के लिए होल कर दिए हैं। देखिए सुंदर सा हैंडल लग गया है। अब हीटर के अंदर कॉयल को बैठाएंगे। तो कॉयल को बैठाने के लिए इस टाइप का स्पोक से हम हुक बना लिए हैं। इधर थ्रेड है,
तो इसके मदद से ही लॉक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो हीटर है इसको खोलना है, तो इसको खोलने के लिए देखिए इसका लॉक लगा है, लॉक को थोड़ा सा सीधा करेंगे और उसके बाद फिर ये आराम से खुल जाएगा। देखिए देखिए इस टाइप से खुल गया है, तो इसको लॉक करेगा यहाँ से। तो इसके लिए हम इसके पीछे चल जाएंगे, पीछे जाके इस तरह से पत्ती हम जो इसमें लगा रहता है उससे थोड़ा मोटा लिए हैं। अब इसको इस टाइप से रख देंगे इसके अंदर, और जो हुक है अंदर से उसको खींच के इसके साथ बोल्टिंग कर देंगे। और बोल्टिंग करने से पहले इस टाइप का हम गोला काट लिए हैं, जो गोला इसके अंदर जाएगा और इसमें ऊपर का गर्मी है नीचे आने में रोकेगा। देखिए इस टाइप से बना दिए हैं ताकि इसको पकड़ के नीचे ऊपर कर सकें, और इसमें बीच में तीन तो होल करेंगे। ये जो स्पोक है ये आराम से घुस जाना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हम इसको रखेंगे। तो देखिए ये नट बोल्ट ले लिए हैं, देखिए इसको हम इस तरह इस साइड से डालेंगे इस टाइप से। देखिए ये इसके अंदर चला गया है, इसमें जो होल बनाए थे इसको आप डाल देंगे। देखिए इसके अंदर घुस गया है, अब इसमें वॉशर लगा के हम नट लगा देंगे। देखिए बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है, तो इसी टाइप से और दो ठो हुक लगा लेंगे। देखिए ये बढ़िया टाइट हो गया है। अब हमारा जो ये लॉकिंग था तो उसको भी लगा देते हैं। देखिए बढ़िया अच्छे तरीके से लग गया है। अब इसको कनेक्शन करना है, ये हम बता देते हैं। देखिए ये लाइन अर्थिंग का और उसके पास ये दो लाइन में जुड़ा हुआ है, उसके बाद वाला ये इधर ये, तो इसको मार्किंग भी कर सकते हैं। जैसे इसमें मार्किंग कर दिए इस टाइप से कि दो एक साथ जुड़ा है, और उसके बाद ये एक नंबर ये दो नंबर ये अर्थिंग, तो हम इसको ऐसे डाल देते हैं। अब इसमें जो होल बनाए थे जितने में आ रहा है उतने में हम नट बोल्ट लगा लेंगे पहले। ये पूरी तरह टाइट हो गया है। अभी इसको हम कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन सबसे पहले अर्थिंग का करेंगे। अर्थिंग बहुत जरूरी है, सारे जो सामान है ये जो स्टैंड है वो स्टैंड है, ये जो हैंडल है और ये नीचे वाला पोर्शन सारे को पूरा अर्थिंग करेंगे। तो अर्थिंग करने के लिए हम इस टाइप का तांबा का तार लिए हैं, सारे जो बोल्ट है एक साथ ढीला करेंगे और एक साथ सारे को अंदर से अर्थिंग करेंगे। ये जो तार था इसके अंदर सारे के साथ कनेक्शन हो गया है, ये तार यहाँ तक आया है, इसको अर्थिंग के साथ जोड़ना है। अब इसके साथ कनेक्शन का बारी है, तो कनेक्शन के लिए ये स्टेप का हम 2000 वाट का रेगुलेटर लिए हैं और लेंगे इस टाइप का हेवी तार, क्योंकि हीटर 2000 वाट का है। ये जो हमारा तार है इसके कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक तो होल करेंगे। देखिए इधर हमने होल कर लिए हैं, अब इसको हम डाल देते हैं। थोड़ा सा बॉडी को दबा दिए हैं, ये खींचने से निकलेगा नहीं। देखिए ये ग्रीन जो वायर है ये अर्थिंग का है, इसको स्लिप डाल देंगे। इसके सबसे पहले कनेक्शन करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने एक तो होल बना लिया है, इसके साथ इस टाइप से बोल्ट देंगे पहले, इधर से लगा देंगे और उस साइड से ये अर्थिंग जो हमारा कॉयल है उसके साथ प्लेट है उसके साथ किया हुआ है, और ये अर्थिंग ये प्लग टॉप से आया है, और एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा अर्थिंग है जो हम इसके साथ जो तार लगाए थे उसके जुड़ेंगे। ये जो अर्थिंग है इसके साथ सारे बॉडी में कनेक्शन हो गया है, अर्थिंग के साथ पूरी तरह कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। पहले हमने इसमें मार्किंग किए थे, देखिए इसके साथ दो कनेक्शन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक ठो और इसमें एक ठो, इसके नाम दिए थे वन और इसका हम दिए थे टू। देखिए ये दोनों हमारा बिजली का वायर है, इसके साथ इसका कनेक्शन कर लेंगे, और इसमें गर्मी से सेफ्टी के लिए ये स्लीव लगा दिए हैं, तो सबसे पहले इसका कनेक्शन कर लेंगे। तो देखिए इसके साथ कनेक्शन हो गया है, दोनों तरह में जोड़ लिया है। अब इन तीनों का कनेक्शन करना है, यहाँ पे कॉयल का थोड़ा मार्किंग किया हुआ है जिस टाइप का कॉयल में है, तो हमने उसके हिसाब से कनेक्शन करेंगे। ये वाला को यहाँ कनेक्शन करेंगे, तो चलिए इसको बैठा लेते हैं। देखिए इस जगह बैठा लिए हम, इसको यहाँ डाल देते हैं। देखिए इसका कनेक्शन पूरा हो गया। आप चाहे तो इस टाइप का मार्किंग यहाँ भी कर सकते हो कि ये जो चीनी मिट्टी है इसमें मार्किंग कर लिए,
कि इसका ये इसका ये इसका ये इंस्टॉल कर सकते हो। अब थोड़ा चेकअप कर लेंगे कि आर्थिंग के साथ किसी का कनेक्शन तो नहीं है, तो पहले जान लेते हैं। फिर कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। इधर का लाइन बहुत बढ़िया है, देखिए इधर का लाइन भी बढ़िया है, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये परफेक्ट हो गया है। अब इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो चलिए ढक्कन को लगा देते हैं। ढक्कन को लगाने के लिए स्टॉक का स्क्रू का मदद लेंगे। इसमें सारे स्क्रू लग गया, हमारा जो नॉब है इसको लगा लेते हैं। अब देखिए इसका लुकिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये चालू होने के लिए पूरा तैयार हो गया है। अभी इस स्टॉप का हमारा नॉब लग गया, इधर जीरो है, ऐसे करेंगे वन होगा, टू होगा, फिर थ्री होगा। हैंडल में ऐसे उठा के आप कहीं भी ले जाते हो, ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो चलिए इसको चालू करते हैं। यहाँ हम चालू करेंगे और इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे बिजली है कि नहीं, और यहाँ पे साथ ज़्यादा टेस्ट करेंगे कि कहीं बिजली का लीकेज तो नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ दे दिए हैं और यहाँ पहले देख लेते हैं। देखिए इस साइड में लाइट जल रहा है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे। देखिए इस जगह टेस्ट कर लेंगे, सारे जगह में कहीं भी लाइट नहीं जल रहा है। तो चलिए इसको अब चालू करते हैं। एक नंबर में दिए हैं, देखिए यहाँ करंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिजली नहीं आ रहा है। अब देखिए छू के दिखाते हैं, देखिए ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है, अभी हाथ देने लायक है, थोड़ी देर बाद हाथ देने लायक नहीं रहेगा। तो चलिए आप दो नंबर में डालते हैं, अभी इसको छू नहीं सकते। तो चलिए अभी तीन में डालते हैं, देखिए लाल होने लगा है। आपको लाइट बंद करके दिखाते हैं, मोबाइल का लाइट को बंद करते हैं। वाह, ये जस्ट ऑसम है, देखिए नज़ारा पूरा लाल हो गया है। अभी ये 2000 वाट पे चल रहा है पूरा, अभी इसको थोड़ा कम करते हैं। अभी हम दो में कर दिए हैं, देखिए वो अंदर वाला बंद हो गया है। अभी एक में करते हैं, देखिए अंदर वाला पूरी तरह बंद हो गया है और बाहर वाला भी डिम हो गया है। देखिए कितना डिम हो गया है एक नंबर में। तो चलिए लाइट को जला देते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको चालू करते हैं और पानी को इसके अंदर चढ़ाते हैं। इधर ऑन कर दिए, देखिए इतना टाइम से चल रहा था, ये काफ़ी गर्म है, उसके बावजूद इधर ठंडा है। देखिए अभी जीरो में है, अभी एक में डाल रहा हूँ, अरे गर्म होना चालू हो गया। अब देखिए हम पानी को चढ़ाते हैं, और इसको तीन में कर देते हैं और पानी को गर्म होने देते हैं। देखिए कोई बिजली नहीं है इसमें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा वीडियो आपके पास आते रहे। और हमारे इस हीटर को आपको कैसे लगा इसका एक्सपीरियंस जरूर हमें बताइए। और इसको बनाने में जो खर्चा आया है, हमारा जो हीटर कोयल है वो 550 रुपये का है, रेगुलेटर है ये 70 रुपये का है, और हमारे ये डब्बा ये तो ऐसे पड़ा हुआ था, और जो हैंडल का प्राइस दोनों का 30 रुपया है, और हमारा जो बॉडी है ये बॉडी हमारे पास पड़ा हुआ था उसको यूज़ किया है, बाकी अगर सिर्फ बॉडी लेने जाएंगे तो 200 के अंदर आपको मिल जाएगा। मोटा मोटी देखा जाए तो ये 850 के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। देखिए पानी का टेम्परेचर 110 डिग्री पार हो गया है, अभी पानी पूरा उबल रहा है अच्छे से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स, वीडियो को एंडिंग करते हुए बताएंगे कि ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक कितना भी अच्छा है उसके बाद भी खतरा कुछ रहता ही है, बच्चे से इसको दूर रखना, जब भी इसकी यूज करे लैपटॉप को खोले, और साथ में कोशिश करना कि इसका जो अर्थिंग है बीच बीच पे चेक करे, साथ में जो घर का अर्थिंग है उसको भी चेक करे, और हमेशा इसके ध्यान रहे, इसमें सावधानी ही अच्छा है।